जी अब एक बार बता दीजिए कि आप सभी को आवाज आ रही है ठीक है प्लीज आप एक बार चेक कर लें अभी आवाज आनी चाहिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन तो गया ठीक है कौन सा डागर है सभी प्रकार की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते तो यहाँ पे आप सबने आंसर बता दिया शाखा डागर जो होता है वो सभी प्रकार की ट्रांजेक्शन आपकी नहीं कर सकता है सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलने गया यहाँ ब्रांच पोस्ट ऑफिस शाखा डाकघर में निम्न में से कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? बिल्कुल फास्ट आप करते जाइए ठीक है करते जल्दी से बताते जाएं। अभी एक बार चेक कर लें, क्लियर नहीं आ रहे हैं, तो थोड़ी आप क्वालिटी इसको हाई कर सकते हैं जी। आप एक बार अब चेक करें क्या अभी ठीक है नहीं अब तो थोड़ा ठीक होना चाहिए अब तो मुझे भी लग रहा है प्लीज़ एक मिनट आप वेट करें देखिए अब चेक कर लें एक बार अभी थोड़ा ठीक आना चाहिए क्योंकि अभी तो मैं सिग्नल में बैठा हूँ ठीक है लैंडर पे चढ़ गए अभी हम अगर आपको क्लियर दिख रहे हैं तो अभी बता दीजिए प्लीज़ एक बार ना भी, भी क्लियर नहीं है क्या देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपके पास हु में एक्सटेंड दी वर्किंग आवर्स ऑफ पोस्ट ऑफिस अप टू एट थर्टी पीएम एंड कीप ठीक है यहाँ पे क्या बोला गया है कि कौन डाकघरों के काम के घंटों को रात के साढ़े आठ बजे तक बढ़ा सकता है और रविवार को भी उन्हें खुला रख सकता है ऑप्शन हैं आपके पास डायरेक्टर जनरल हेड ऑफ सर्कल हेड ऑफ रीजन या फिर हेड ऑफ डिवीजन ठीक है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल आप सभी का आंसर सही है फिफ्थ का जो सही आंसर जो होता है किसी भी डाकघर के काम काज के घंटों को रात के साढ़े आठ आपके पास मेन ऑफिस ऑफ ग्रुप ऑफ उफ पोस्ट ऑफिस ऑफ इट है, बीन अंडर क्या हो कि ये भी आता है छोटे डाघर भी आते हैं जिन्हें उप और शाखा कार्यालय कहा जाता है जो इसके खाते के अधिकार क्षेत्र में आते हैं कहा जाता है ऑप्शन है आपके पास हेड पोस्ट ऑफिस सब पोस्ट ऑफिस जनरल पोस्ट ऑफिस या फिर इनमें से कोई भी नहीं सही आंसर क्या जाएगा आपके पास ए हेड पोस्ट ऑफिस इन्हें कहा जाता है ऑफिस में बर्क अप टू रात्रि कालीन डाकघर किस समय तक काम कर सकते हैं क्या ऑप्शंस हैं आपके पास 7:38 8:30 पीएम या फिर 9:00 पीएम तक कब तक कर सकते हैं आपके नाइट पोस्ट ऑफिस काम बिल्कुल जी आप सबका आंसर सही है 8:30 तक काम कर सकते हैं रात के देखते हैं क्या बोलने गया नाइट पोस्ट ऑफिस बिल ट्रांजेक्ट दीज ट्रांजेक्शन बिच आर ऑथोराइज बाई रात्रि कालीन डाकघर में होने वाला काम किसके द्वारा अधिकृत किया जाएगा कौन अधिकृत करता है कि रात्रि कालीन डाकघर में क्या काम होगा ऑप्शन है हेड ऑफ डिवीजन हेड ऑफ रीजन हेड ऑफ सर्कल या फिर डायरेक्टर जनरल ठीक है का के आंसर हो जाएगा आप सबके पास इसका सही आंसर आएगा आपके पास डी डायरेक्टर जनरल ठीक है रात्रि कालीन डाकघरों में जो काम होगा वैसे तो मेन तौर पर जो आपका डाकघर के काम काज के घंटे हैं उसको हेड ऑफ सर्कल ही तय करता है अगले है आपके पास पोस्ट ऑफिस बिच फंक्शन फ्रॉम स्पेशली मूविंग टू तो डिफरेंट फिक्स्ड पॉइंट्स इज कोल्ड डाकघर जो विशेष रूप से डिजाइन की गई बैन से अलग अलग निश्चित बिंदुओं पर जाकर काम करते हैं उन्हें जी ऑप्शन है आपके पास फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस नाइट पोस्ट ऑफिस फिर मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या कहा जाता है इनको जी हाँ बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास मोबाइल पोस्ट ऑफिस कहा जाता है फोन नहीं लेके घूमते हैं लेकिन इनको क्या कहा जाता है चल मोबाइल का मतलब होता है चल डाकघर जो होते हैं मोबाइल पोस्ट ऑफिस इज चल डाकघर जो होते हैं यह हो जाएगा इसका आंसर चलिए जी अगला क्वेश्चन आपके पास मोबाइल पोस्ट ऑफिस इज डिफाइंड इन दी रूल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड वन मोबाइल डाकघर को पोस्ट ऑफिस गाइड भाग वन के किस नियम में परिभाषित किया गया है रूल थ्री रूल वन रूल फोर या फिर रूल नंबर टू ठीक है आप सबको अगर अच्छा लगेगा तो आप एक बार बता दीजिए हम आपके एग्जाम तक रेगुलर सभी जितने भी आपके टॉपिक हैं उन सभी का करवाएंगे पीए के लिए और नहीं है तो आप रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड करवाएंगे आप जैसे करवा देंगे आपको ठीक है मोबाइल पोस्ट ऑफिस को कहाँ पे आपका डिफाइन किया गया है आंसर क्या आ जाएगा आपके पास सी ठीक है सी यहाँ पे सही हो जाएगा रूल नंबर फोर में मोबाइल पोस्ट ऑफिस को परिभाषित किया गया है अगला क्वेश्चन आपके ऑन संडे एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज रात्रि कालीन डागर रविवार काम करते हैं ट्रू है फॉल्स है कैन नोट से या फिर इनमें से कोई भी नहीं क्या रात्रि कालीन डाघर भी आपके रविवार और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन काम करते हैं जी नहीं आपके रा, हाँ बिल्कुल जी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा ट्रू ठीक है सत्य या कालीन डागर रविवार और डागर अवकाश वाले दिन भी काम करते हैं चलिए अगला क्वेश्चन है यूनियन टेरिटरी ऑफ पाण्डिचेरी अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी किसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश केरला या फिर तमिलनाडु क्या है ट्वेल्थ का सही आंसर क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट कीजिए जी बिल्कुल इसका सही आंसर आपके पास तमिलनाडु केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी किसके अंडर आता है तमिलनाडु के अंदर आता है अगले आपके पास सिक्किम इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव जूडिक्शन ऑफ बिच पोस्टल सर्कल सिक्किम किस सर्कल के प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है आसाम है नॉर्थ ईस्ट है वह बंगोल या फिर सिक्किम ठीक तो है ये रिविजन है जल्दी से आंसर बताइए इसमें आपकी इतना सोचने वाली बोनी होनी चाहिए कि आपको सोचना पड़े किसी क्वेश्चन के आंसर के लिए सिक्किम जो है सिक्किम किसके प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र में आता है वेस्ट बेंगोल में आता है बिल्कुल सही आप सबका आंसर सी हो जाएगा अगला आपके पास यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इज अंडर दिन कंट्रोल ऑफ केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किसके प्रशासनिक नियंत्रण में आएगा वेस्ट बंगाल उत्तर प्रदेश दिल्ली या फिर केरला अंडमान और निकोबार भी किसके किस आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल में ही आता है पश्चिम बंगाल में ही आता है तो क्या हो जाएगा ए ऑप्शन आपकी सही होगी चलिए अगला आपके पास मोबाइल मोबाइल पोस्ट भी एंड पोस्ट पोस्ट ऑफिस 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 भी फंक्शन ऑन संडे एंड अभी मैंने बताया क्या होती है चल डाकघर होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके काम करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मोबाइल पोस्ट ऑफिस जो है रविवार और डाकघर अवकाश वाले दिन भी काम करते हैं क्या ये ट्रू है या फॉल्स है बिल्कुल यहाँ पोस्ट ऑफिस होते हैं ये रात आपके क्या करते हैं संडे और पोस्टी रो लोडी रोड यहाँ पे क्या हो जाएगा कुछ हो जाएगा ठीक है बी ऑप्शन आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी चलिए अगला है आपके पास जीरो ऑफ गुजरात सर्कल इज गुजरात सर्कल का अधिकार क्षेत्र क्या है गुजरात है गुजरात दमन दमनदीव है गुजरात दादर और नगर हवेली गुजरात दमन और दमनोदी दादर और नगर हवेली क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर ठीक है गुजरात सर्कल जो है इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं आपके जी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गुजरात में गुजरात आता है दमन और दीप आता है और दादरा और नगर हवेली आता है ये या आंसर हो जाएगा इसका डी अगला है आपके पास हेड ऑफ पोस्टल सर्कल पोस्टल सर्कल का प्रमुख कौन होता है तो जब हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो ये बिल्कुल सही है तो हेड ऑफ पोस्टल सर्कल जो है वो कौन होता है पोस्टल सर्कल का कौन होता है डी पी एस जी या फिर पोस्ट मास्टर जनरल तो बिल्कुल सी पी एम जी मास्टर जनरल होता है बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी अगला क्वेश्चन आपके पास हेड ऑफ पोस्टल रीजन इज डाक क्षेत्र के प्रमुख कौन होते हैं तो इसमें आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो फर्स्ट ही आपके टॉपिक्स हैं यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए डाक क्षेत्र हेड ऑफ़ रीजन कौन होता है डी पी एस जी पोस्ट मास्टर जनरल सुपरिटेंडेंट या फिर पोस्ट मास्टर जनरल कौन होता है पीएमजी होता है ठीक है डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी पोस्ट मास्टर जनरल जो है वो हेड ऑफ रीजन होता है जो डाक क्षेत्र है उसका प्रमुख होता है अगला क्वेश्चन है आपके पास दी वर्किंग ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिसिस अंडर पोस्टल डिविजंस इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय पोस्टल डिविजनों डिविजनों के तहत सभी डाक का कामकाज किसके द्वारा सीधे नियंत्रित किया जाता है ऑप्शन है पोस्ट मास्टर इंस्पेक्टर पोस्ट या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस किसके द्वारा किया जाएगा जी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास डी ठीक है सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट के द्वारा किया जाता है अगला क्वेश्चन है आपके पास सर्कल कार्टर्स टू दी पोस्टल कम्युनिकेशन नीड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस सर्कल सशस्त्र बलों की डाक संचार जरूरतों को पूरा करता है कौन सा सर्कल करता है ऑप्शन आपके पास दिल्ली वेस्ट बंगाल महाराष्ट्र या फिर वेस सर्कल ठीक है तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर डी बिल्कुल वेस सर्कल और बाकी जो भी पीए की तैयारी कर रहे हैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है जहां पे तीस से चालीस क्वेश्चन पेपर का मैथ चेक आपको तो आप वहां पर जाकर वो भी तैयारी कर सकते हैं अगला है आपके पास नंबर पोस्टल सर्कल्स इन इंडिया भारत में कितने पोस्टल सर्कल है? हैं ऑप्शन है सेवनटीन ट्वेंटी टू ट्वेंटी नाइन या फिर ट्वेंटी थ्री तो कितने हैं आपके टोटल कितने आपके ट्वेंटी थ्री सर्कल हैं तो डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी अगला है आपके पास दी पोस्टल डिपार्टमेंट इज अंडर दी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डाक विभाग किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है है आपके पास डिप्टी डायरेक्टर जनरल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल पोस्ट मास्टर जनरल बिल्कुल यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास डायरेक्टर जनरल ठीक है डायरेक्टर जनरल न्यू दिल्ली महानिदेशक डाक न्यू दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में यह काम करता है अगला क्वेश्चन आपके पास ऑफ दी पोस्टल सर्विस बोर्ड डाक सेवा बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस जी पोस्टमास्टर जनरल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या फिर डिप्टी डायरेक्टर जनरल ठीक है पोस्टल सर्विस बोर्ड का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है बिल्कुल आप सबका आंसर आ रहा है सी तो इसका आंसर यहां से सी ही होगा ठीक है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट डाक विभाग के के पास बीच ऑफ दी फॉलोइंग इज कोल्ड दी apex मैन ऑफ पोस्ट निम्न में से किसे डाक विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय कहा जाता है ऑप्शन हैं आपके पास पोस्टल सिक्योरिटी बोर्ड उसके बाद है पोस्टल अपेक्स बोर्ड पोस्टल डायरेक्टोरेट बोर्ड या फिर पोस्टल सर्विस बोर्ड किसे कहा जाता है ठीक है ट्वेंटी फोर्थ की सही जो ऑप्शन हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी डी पोस्टल सर्विस बोर्ड को कहा जाता है अगला क्वेश्चन आप की फुल फॉर्म क्या है पोस्टल सिक्योरिटी बोर्ड पोस्टल सर्विस बोर्ड पोस्टल स्टेशनरी बोर्ड या फिर इनमें से कोई भी नहीं ठीक है पी अभी किया होगा पिछले क्वेश्चन में तो पोस्टल सर्विस बोर्ड जी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास पोस्टल सर्विस बोर्ड ट्वेंटी फाइव की जो सही ऑप्शन आ जाएगी आपके पास बी सी अगला क्वेश्चन है आपके पास हाउ मैनी मेंबर्स आर देर इन पी एस बी पी एस बी में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं फोर फाइव सिक्स या फिर सेवन ठीक है पोस्टल सर्विस बोर्ड में टोटल कितने मेंबर्स होते हैं आपके और अगले ही क्वेश्चन है आपके पास पोस्टल सर्विस बोर्ड कंप्राइजेज हाउस में कर लिए छः होते हैं और चेयरमैन कितने होते हैं कि जो सी ऑप्शन आ जाएगी क्या आएगी ए ठीक है टोटल इसमें आपके सिक्स मेंबर्स होते हैं और एक चेयरमैन होता है ट्वेंटी सेवन्थ की सी से ऑप्शन क्या आ जाएगी ए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है पी एस बी कम्प्राइज ऑफ तो ये हमने कर लिया अभी ठीक है कितने मेंबर्स होते हैं और कितने इसमें जो चेयरमैन होंगे वो होंगे तो इसमें क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी आंसर ट्वेंटी वन मेंबर एंड सिक्स चेयरमैन वन चेयरमैन एंड सिक्स मेंबर्स टू में चेयरमैन एंड फाइव मेंबर्स तो इसमें अभी कि हमने एक चेयरमैन होते हैं सिक्स मेंबर्स होते हैं तो क्या ऑप्शन आ जाएगी आपके पास इसकी बी ऑप्शन आ जाएगी अगला क्वेश्चन है आपके पास बीच ऑफ दी फॉलोइंग इज नोट अ पोर्टफोलियो ऑफ पी पोस्टल सर्विस बोर्ड का कौन सा यहाँ पे पोर्टफोलियो नहीं है टोटल कितने हैं इसमें टोटल छः हैं ठीक है और यहाँ पे हमें दिए हुए चार तो एक नहीं है इनमें से तीन है तो कौन से नहीं है ऑपरेशन टेक्नोलॉजी प्लानिंग या फिर इन्वेस्टमेंट थ का जो सी आंसर आ जाएगा ये क्या होगा आपके पास डी ठीक तो कौन -कौन से? आपको अच्छे से याद है तो इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं आया तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास डी चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास दी फॉलोइंग इज दी परमानेंट इन्वाइटी टू दी पोस्टल सर्विस बोर्ड इनमें से कौन पी एस बी के पोस्टल सर्विस बोर्ड के स्थायी आमंत्रित हैं एडिशनल सेक्रेटरी एडवाइजर असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल क्या क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर परमानेंट इन्वाइट स्थायी आमंत्रित व्यक्ति कौन होते हैं पोस्टल सर्विस बोर्ड में थर्टी जो सही ऑप्शन होगी आपके पास सी होगी ठीक है सी होगी फर्स्ट और सेकंड होगी जो अलग बता रहे हैं वो एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए आपका जो एडिशनल सेक्रेटरी होता है और फाइनेंशियल होता है परमानेंट इन्वाइटी होते हैं चलिए अगला है आपके पास दी पोस्टल सर्विस बोर्ड इज इजेड बाई दी सीनियर स्टाफ ऑफिसर ऑफ उफ द डायरेक्टोरेट एज डाक सेवा बोर्ड को निदेशालय के एक ब्रिष्ट कर्मचारी अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है वो बोर्ड डायरेक्टर टू दी बोर्ड असिस्टेंट सेक्रेटरी टू दी बोर्ड या फिर सेक्रेटरी टू दी बोर्ड तो वो कैसे सहायता प्रदान करता है ठीक है डाक सेवा बोर्ड को निदेशालय के वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो क्या होता है सेक्रेटरी टू द बोर्ड बोर्ड सचिव के रूप में काम करता है ठीक है बोर्ड सचिव होता है तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है फंक्शनल स्पोर्ट फॉर दी बोर्ड एट दी हेडक्वार्टर्स बोर्ड के लिए मुख्यालय में आवश्यक कार्यात्मक सहायता कौन प्रदान करता है डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर सेक्रेटरी तो ऑप्शंस आप देखे सामने है ठीक है आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या हो जाएगा थर्टी सेकेंड की ऑप्शन कौन सी सही हो जाएगी आपके पास करता है डिप्टी डायरेक्टर जनरल ठीक है डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल करते हैं तो बी ऑप्शन जो है आपकी सही हो जाएगी चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास दी यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीज अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ और दी का किस शासित प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण में ठीक है दमन और दीप क्या है केंद्र शासित प्रदेश है और किसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है महाराष्ट्र केरला वेस्ट बंगाल या फिर गुजरात दमन और द्वीप किसके प्रशासनिक में आता है जी बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके टी थ्री का डी ठीक है गुजरात के अंदर आता है तो इसमें एक चीज याद रखनी किस कैसे आप इसको याद रख सकते हैं डी डी जी करके आप इसको याद रख सकते हैं दादरा और नगर हवेली दमन और दीव किसके अंदर आएंगे गुजरात के अंदर चलिए अगले आपके पास फिफ्टी सिक्स एपीओ

आता है तो इसलिए अगला क्वेश्चन है आप यस यूनियन टेरिटरी ऑफ इज अंडर दी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप किसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है महाराष्ट्र केरला राजस्थान या फिर गुजरात क्या यूनियन टेरिटरी जो लक्षद्वीप है कह केएल राहुल तो आपको ये आसानी से याद भी हो जाएगा ठीक है केएल आप ऐसे याद रख सकते हैं तो ये किसके अंडर आ जाएगा एल जो है लक्षद्वीप का कह तो के आपका केरला हो जाएगा ठीक है केरला के अंडर आता है चलिए अगला क्वेश्चन आपका दी स्टेट ऑफ गोवा इज अंडर दी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गोवा राज्य किसके प्रशासनिक नियंत्रण में आता है ऑप्शन हैं गुजरात महाराष्ट्र तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल ठीक है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाए गोवा जो है महाराष्ट्र के अंदर आता है बी ऑप्शन आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी नॉर्थ पोस्टल सर्कल स्टेट उत्तर पूर्व सर्कल में कितने राज्य आते हैं पांच छत या फिर आठ तो टोटल कितने राज्य आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल में जी हाँ बिल्कुल क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास बी ठीक है टोटल सिक्स स्टेट्स आते हैं कौन कौन से हैं मणिपुर मेघालय मिजोरम अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा और नागालैंड चाहिए आपको अगर नहीं है तो आप कंफ्यूज होंगे क्वेश्चन

ठीक है तो इसका सही आंसर आएगा आपके पास बी ठीक है आसाम नहीं है तो बी ऑप्शन चलिए अगला है आपके पास यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ अंडर दी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ किसके प्रशासनिक नियंत्रण में है पंजाब उत्तर प्रदेश दिल्ली या फिर हरियाणा तो किस में आ जाएगा आपका पंजाब चंडीगढ़ जो है पंजाब में आता है तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी अगला क्वेश्चन सर्कल अभी यहाँ पे हमने थोड़ी देर पहले किया किसके लिए होता है जो आर्मी वाले होते हैं उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए होता है तो यहाँ पे वही चीज पूछी गई है कि उसका जो हेड होता है वो कौन होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल डीपीएस आर्मी पोस्टल सर्विस तो कौन होता है फोर्टी की सी ऑप्शन क्या आ जाएगी ये आगे वाला छोड़ दो ठीक है ये एक्स्ट्रा लिखा हो गया है तो इसमें क्या आ जाएगा एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो होता है तो यहाँ पे आपकी फोर्टी की सही ऑप्शन क्या आ जाएगी ए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास दी बेस सर्कल इज हेडेड वाई तो बेस सर्कल का हेड कौन होता है ये फिर से वही आ गया एडिशनल डायरेक्टर जनरल ए तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया एडिशनल डायरेक्टर जनरल एपीएस इस हिंदी रैंक ऑफ एपीएस के महानिदेशक डा का कौन सा पद होता है क्या उसका रैंक होता है ठीक है है लेफ्टिनेंट जनरल जनरल मेजर जनरल या फिर ब्रिगेडियर तो क्या होता है फोर्टी सेकेंड का जो सी आंसर आ जाएगा ये क्या आएगा आपके पास एपीएस का जो आपका हेड होता है उसका रैंक कौन सा होता है तो इसका से आपके पास इसका सही आंसर आएगा आपके पास सी सी आ जाएगा मेजर जनरल उसका रैंक है रेगुलर क्लासेस भी हमारी चलती हैं आपको जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे लिंक ठीक है मैथ के मिल जाएंगे अब क्वेश्चन पेपर्स जो भी प्रीवियस ईयर वो सारे सोल्व करवाए हुए हैं ठीक है बाकी भी आपको जी के लिए मिल जाएगा तो सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे आप देख सकते हैं वट परसेंट ऑफ दी अदर रैंक्स ऑफ दी ए पी एस आर आल्सो ड्रॉन फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड द रिमेनिंग पर्सनल आर रिक्यूटेड फ्रॉम आर्मी ए के अन्य रैंकों के लिए कितने प्रतिशत को डाक भाग से लिया जाता है और शेष कर्मी जो है सेना द्वारा भर्ती किए जाते हैं फिफ्टी परसेंट सेवेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव या फिर हंड्रेड परसेंट तो जो आपके पोस्टल डिपार्टमेंट से लिए जाते हैं वो कितने लिए जाते हैं सेवनटी फाइव परसेंट बिल्कुल बी ऑप्शन जो आपकी सही से होगी सेवनटी जो है आपके डिपार्टमेंट से लिए जाएंगे और बाकी जो है सेना द्वारा भर्ती किए जाते हैं अगला है आपके पास कार्ड ऑफ दी आर्मी पोस्टल सर्विस फ्रॉम दी सेना डाक सेवा के अधिकारी संवर्ग के पदों पर जो प्रतिनिधि पर अधिकारी आते हैं वो कहाँ से लाए जाते हैं मिलिट्री सिविल नेवी या फिर आर्मी से लाया जाता है आंसर क्या जाएगा सिविल पोस्ट से उनको लाया जाता है जो सेना डाक पदों पर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी आते हैं उनको सिविल से लाया जाता है अगला आपके पास क्वार्टर ऑफ तेलंगाना सर्कल तेलंगाना सर्कल का मुख्यालय कहां पे है? बेंगलोर है अमरावती हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा तेलंगाना पे है ओके बिल्कुल इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या हो जाएगा आप पास सी हैदराबाद है अगले हैं आपके हेड क्वार्टर ऑफ आंध्र प्रदेश सर्कल इस ये दो चार ही आएंगे क्वेश्चन फिर से आपके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे आंध्र प्रदेश सर्कल का मुख्यालय कहाँ पर है बेंगलोर है अमरावती हैदराबाद या फिर विजयवाड़ा एड किया क्योंकि इनके हेड क्वार्टर है मोस्टली क्या होता है कि उनकी हेड क्वार्टर होती है लेकिन कुछ है कि अलग है तो की है कि आंध्र प्रदेश जैसे इसका कहां पे हो जाएगा अमरावती है बेंगलोर हैदराबाद है या फिर विजयवाड़ा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा ठीक है आंध्र प्रदेश सर्कल का मुख्यालय विजयवाड़ा में है अगला है सम है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है दिसपुर गुवाहाटी कोलकाता या फिर में से कोई भी नहीं जो असम है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है गुवाहाटी में है।, है तो यहां पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये क्या आ जाएगा आपके पास बी चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास हरियाणा सर्किल का मुख्यालय कहां पर स्थित है जो हरियाणा का है अंबाला कैंट है चंडीगढ़ है लखनऊ या फिर दिल्ली तो कहां पर स्थित है ठीक है तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा जो हरियाणा है इसका अंबाला कैंट है ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल उत्तरी पूर्वी सर्कल का जो मुख्यालय कहां पर स्थित है ऑप्शन है आपके पास गुवाहाटी या फिर दिल्ली तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास शिलोंग स्टेट में आते हैं तो उन सभी का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा आपका शिलोंग में हो जाएगा एक बार फिर से चेक करें अभी थोड़ी सही आई है या नहीं यहाँ पे नेटवर्क की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो एक बार आप चेक कर लीजिए अगर आपको अभी सही दिख रहा है ठीक है अभी तो सही आना चाहिए ठीक है अभी सही दिख रहा है आप सबको एक बार बता दीजिए प्लीज फिर हम आगे शुरू करें वीडियो अभी क्लियर नहीं है जो है शिलोंग होगा आगे क्या क्वेश्चन है? आपके पास आप पोर्ट इंटू हाउ मैनी क्लासेज घरों को कितने वर्गों में बांटा गया है ऑप्शन है आपके पास दो तीन चार या फिर पांच तो डाक घरों को टोटल कितने वर्गों में आ गया है? तीन वर्गों में बांटा गया तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन आ जाएगी आपके पास आएगी बीस सीईपीटी लोकेटेड एट सीईपीटी क्या होता है फुल आएगा आगे क्वेश्चन तो सीई पी टी कहाँ पर है मैसूर नवी मुंबई गाजियाबाद या फिर बड़ोदरा तो सी ई पी टी आपका मैसूर में सीते है ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी ठीक है दिख रहा है आपको अच्छे से तो कंटिन्यू करते हैं नहीं तो फिर फिर नहीं तो रिकॉर्डेड मैं कर देंगे आपको आप वहीं से देख लीजिएगा एक बार बता दीजिए आपको करना है या नहीं क्योंकि अभी पचास क्वेश्चन ही हुए हैं पचास और हैं अभी बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप उस हिसाब से बता दीजिए हम तभी करेंगे आगे अगर आपको अच्छे से दिख रहे हैं आपको ना इसके लिए रिकॉर्डेड भी प्रोवाइड करवा देंगे अभी शायद आपको प्रॉब्लम हो रही है तो चलिए आगे देखते हैं आपके पास हेड ऑफ पोस्टल ये हो चुका है आर ए के एन पी ए इज आर ए के एन पी ए कहाँ पर स्थित है ऑप्शन है मैसूर नवी मुंबई गाजियाबाद या फिर बड़ोदरा ठीक है ए आर ए के एन पी ए क्या होता है रफी अहमद किडवाई नेशनल पोस्टल अकेडमी जो है ये कहाँ पर स्थित है तो यहाँ पे इसको जो सी आंसर आ जाएगा क्या होगा आपके पास

अगला बता दीजिए ठीक है अभी क्लियर दिख रहा होगा तभी हम आगे करेंगे नहीं तो कोई फायदा नहीं है ऐसे अब कुछ को दिखता नहीं है अच्छे से ठीक है एक बार बता दीजिए अगर सही दिख रहा है आप सबको चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास डायरेक्ट Direct... निदेशक डाक होता है वो और कैसे काम करता है ठीक है और भी क्या होता है उसका मतलब कैसे वो काम कर सकता है चेयरमैन ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड सेक्रेटरी ऑफ डीओपी बोथ फर्स्ट एंड सेकंड या फिर इनमें से कोई भी नहीं ठीक है महानिदेशक डाक और किस रूप में काम करते हैं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास सी ठीक है पोस्टल सर्विस बोर्ड के अध्यक्ष और डाक विभाग के सेक्रेटरी के रूप में भी काम करते हैं अगला क्वेश्चन आपके पास लोकेटेड एट वन सीबीपीओ क्या होता है ठीक है सीबीपीओ हमने कर लिया सेंट्रल वेस्ट पोस्ट ऑफिस होता है तो वन सीबीपीओ जो है कहां पे है ऑप्शन है आपके पास मुंबई चेन्नई कोल फिर न्यू दिल्ली क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर न्यू दिल्ली है ठीक है इसको क्या कहा जाएगा फिफ्टी सिक्स और टू सी कौन सा हो जाएगा आपके पास नाइनटी नाइन और कहाँ पे है एक आपका न्यू दिल्ली में है, दूसरा कहाँ पे है कोल चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास दी पोस्टल स्टोर डीपो इज लोकेटेड एट पोस्टल स्टोर डीपो कहाँ पर स्थित होता है इन 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 ईच 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 सर्कल रीजन डिवीजन या फिर इन ईच सब डिवीजन पोस्टल स्टोर डीपो कहाँ पर स्थित होता है ऑपरस देख लीजिए क्या हो जाएगा इसका आंसर वो कहाँ पे होता है सर्कल में होता है लेकिन पोस्टल स्टोर डिपो यहाँ पे पूछा गया है तो ये कहाँ पे हो जाएगा इन ईच रीजन ठीक है तो इसका सिक्सटी का वो आएगा आपके पास बी अगला है आपके पास पोस्ट ऑफिस ऑब्जर्व होलीडेज इन एयर ठीक है यहाँ पे क्या होगा पोस्ट ऑफिस ऑब्जर्व होली हो मेनी होलीडेज इन एयर आउट ऑफ बीच होलीडेज आर ऑब्जर्व कंपल्सरी इन ऑल सर्कल्स डाकघरों में एक वर्ष में कितनी

आती है अभी ऑप्शन आपकी सही होगी अगला चार्ज ऑफ़ ग्रामीण जो होते हैं ठीक है, पे काम, करते है? वो में काम करते हैं तो जो भी आपके ब्रांच ऑफिस होते हैं मैक्सिमम कितने आवर्स के लिए उनको खुला रखा जाता है कितने आवर्स के लिए वो काम करते हैं आठ सात तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा इसका सही आंसर आएगा आपके पास बी डी ठीक है पांच घंटों के लिए मैक्सिमम और मिनिमम कितने के लिए खुले रहते हैं आपके के लिए मिनिमम खुले रहते हैं आगे है आपके पास जनरली बटार दी बिजनेस इन दी प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस ऑन नॉर्मल वीकडेज फॉर रेफरेंस एंड इंक्वायरीज आमतौर पर संदर्भ और पूछताछ के लिए सामान्य सप्ताह के दिनों में व्यावसायिक घंटे क्या रहते हैं ऑप्शन ठीक है ऑप्शन है फार अबाउट सिक्स टू सेवन आवर्स यूजली फार अबाउट फाइव आवर्स उसके बाद है फार सिक्स आवर्स या फिर ड्यूरिंग एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ ऑफिस तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या आ जाएगा सेवनटी वन का डी ठीक है कार्यालय के पूरे काम काज के घंटों के दौरान अगले आपके पास जनली बटा दी बिजनेस आवर्स इन दी प्रिंसिपल ऑन नॉर्मल वीक डेज फॉर बुकिंग ऑफ रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स इंक्लूडिंग वीपी आर्टिकल्स क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जो काम करने का समय होता है वो अलग अलग होता है एम्स को सेल करना स्टेशनरी सेल करना या बुकिंग का काम अलग अलग टाइम पर होता है अलग अलग वर्किंग आवर्स होते हैं इसके लिए तो वीपी पार्सल सहित पंजीकृत और बीमित वस्तुओं की बुकिंग के लिए सामान्य सप्ताह के दिनों में प्रिंसिपल पोस्ट ऑफिस में व्यवसायिक घंटे होते हैं वो कितने होते हैं फारवर्ड सिक्स टू सेवन आवर्स यूजली फॉरवर्ड फाइव आवर्स फार सिक्स आवर्स ड्यूरिंग दी एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ ओफ तो पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास सेवन का ए इस क्वेश्चन का सीन छः से सात घंटे के लिए यह काम जो आपका होता है चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलेंगे गया जल्दी बटा दी बिजनेस आवर्स इन दी ये क्या होते होते हैं आपके मंडे टू फ्राइडे तो यहाँ पे जो काम पूछा गया वो क्या पूछा गया सेल ऑफ पोस्टेज एंड स्टेशनरी आमतौर तो पर डाक टिकटों को बेचने और स्टेशनरी को बेचने के लिए जो व्यावसायिक काम काज के घंटे होते हैं वो कितने होते हैं फॉरवर्ड सिक्स टू सेवन आवर्स यूज फॉरवर्ड ज्यूरिंग दर वर्किंग आवर्स ऑफ देश

या पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स मेल वैन लेटर बॉक्स बोथ एंड भी या फिर इनमें से कोई भी नहीं ठीक है क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका जो मशीन फ्रैंक लेक होते हैं उनको कहां पे पोस्ट नहीं करना चाहिए तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ठीक है ना ही उनको लेटर बॉक्सेस में आप पोस्ट ऑफिस वाले में कर सकते हैं और ना ही वैन वाले में कर सकते हैं

एमएस कार्यालय कालीन डाकघरों में या फिर ऊपर के सभी तो पंजीकृत समाचार पत्र होते हैं और जो पंजीकृत समाचार पत्रों के पैकेट होते हैं इनको यहाँ पे सभी में ठीक है आपके रविवार और पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज वाले दिन भी बिना किसी विलंब शुल्क के यहाँ पर स्वीकार कर लिया जाएगा पी में ठीक है आर ऑफिस एस ऑफिस और नाइट पोस्ट ऑफिस में अगला क्वेश्चन आप अप फ्लैटली ब्यूरो डाक टिकट ब्यूरो की स्थापना करने का क्या उद्देश्य है इट इज टू टू दी नीड्स ऑफ एंड स्टैंप या डाक टिकट संग्रहताओं स्टैंप संग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के हैवी रश इन दी नॉर्मल काउंटर्स ठीक है या सामान्य काउंटरों पर भारी भीड़ से बचने के लिए तो क्यों आपके फ्लैटली ब्यूरो की स्थापना की गई है सेवेंटी सिक्स की से ऑप्शन क्या आ जाएगी बिल्कुल यहाँ पे आंसर सही होगा या डाक टिकट संग्रहकर्ताओं स्टंप संग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होते हैं अगला क्वेश्चन है आपके पास बट इज कमीशन ओन फ्रेंड आर्टिकल्स कमीशन है एक परसेंट एक पॉइंट पांच परसेंट दो या फिर तीन परसेंट तो कितना हो जाएगा सेवेंटी सेवन का जो सी आंसर आ जाएगा ये क्या आ जाएगा आपके पास डी तीन परसेंट है दी टू टाइप्स ऑफ डाइज इन दी फ्रेंड मशीन मशीन होती है उसमें दो प्रकार की डाइज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं तो हिंदी में छोड़ देना यहाँ पे कुछ गलत लिख दिया हुआ है वैल्यू डाई एंड कंपनी डाई वैल्यू डाई एंड लाइसेंस डाई उसके बाद है वैल्यू डाई एंड ऑफिस ऑफ पोस्टिंग डाई या फिर वैल्यू डाई और डेट डाई तो कौन कौन सी होती, होती है तो यहाँ पे कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी आपकी बी लाइसेंस फार फ्रैंकिंग मशीन इज इशूड बाय फ्रैंकिंग मशीन के किसके द्वारा इशू किया जाता है हेड ऑफ सर्कल हेड ऑफ डिवीजन डीजी ठीक है या फिर इनमें से कोई भी कर सकता है लाइसेंस होता है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपके पास बी हेड ऑफ डिवीजन यानी कि सुपरिटेंडेंट या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट करता है अधीक्षक अगले आपके पास लाइसेंस फी फॉर फ्रेंड मशीन के लिए जो लाइसेंस है वो कितना है थ्री सेवन रुपीज फॉर फाइव ईयर थ्री हंड्रेड टू हंड्रेड वन हंड्रेड फोर टू या वन ईयर तो ये कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए बिल्कुल आप सबका आंसर बिल्कुल सही है इसका सही आंसर ये हो जाएगा थ्री सेवनटी फाइव रुपीज है पांच वर्ष के लिए आर्टिकल्स वेरिंग फ्रैंकिंग इंप्रेशन ऑफ प्रीवियस डेट्स छली तारीखों वाले जो फ्रैंकिंग वाले आर्टिकल्स होते हैं उनको क्या किया जाएगा शेल नोट बी एक्सेप्टेड कैन बी एक्सेप्टेड कैन बी एक्सेप्टेड विद लेट फीस या फिर इनमें से कोई भी नहीं पिछली फ्रैंक वाले और अगली फ्रैंक वाले जो भी लेख होते हैं उनको तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सी आंसर क्या हो जाएगा स्वीकार नहीं किया जाएगा तो एटी फर्स्ट की जो सी ऑप्शन आ जाएगी आपके पास आएगी ए चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास देयर कैन बी इंप्रेशन ऑफ एसएस डाई ओन इट्स आर्टिकल एक लेख पर मूल्य डाई एसेंस डाई की कितनी छाप हो सकती है ऑप्शंस है ओनली वन ओनली लेख आपकी वैल्यू डाई की भी एक होनी चाहिए और लाइसेंस डाई की भी ओनली वन यानी कि वैल्यू डाई की एक और लाइसेंस डाई की एक से ज्यादा हो सकती है मोर देन वन वैल्यू डाई एंड ठीक है मोर देन वन मोर देन वन तो ये आप देख लीजिए ऑप्शंस क्या ठीक है

ए हो जाएगा ठीक है सर्कल प्रमुख द्वारा प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश इज ऑथराइज्ड बाय हेड ऑफ सर्कल अगला क्वेश्चन है आपके पास प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इज एक्सेप्ट इन केस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आर्टिकल्स सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ आर्टिकल्स इन स्मॉल सिटीज नकद में डाक के पूरा भुगतान की सुविधा के लिए छोटे शहरों में न्यूनतम किए जाएंगे टू हंड्रेड टू फिफ्टी या फिर फाइव ठीक है छोटे शहरों की यहाँ पे बात की गई एक आता है आपके पास बड़े शहर ठीक है एक आता है आपके स्मॉल सिटीज एक यहाँ पे पूछा गया क्या हो जाएगा इसका सही आंसर आपके पास ठीक है बी हो जाएगा टू फिफ्टी हो जाएगा चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास फैसिलिटी ऑफ प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस इज अवेलेबल फॉर कुछ शर्तों के अधीन डाक के पूर्व भुगतान की सुविधा किन के लिए उपलब्ध है लेटर्स इन लेटर कार्ड एंड पोस्ट कार्ड अनस्टर्ड अब ठीक है कुछ शर्तों के अधीन जो डाक के पूर्व भुगतान की सुविधा है किन किन के लिए उपलब्ध है पत्र अंतर्देशीय पत्र कार्ड पोस्ट कार्ड पैकेट कार्ड और आपके अपंजीकृत पार्सल 86 का सही आंसर क्या आ जाएगा डी बिल्कुल ये सभी के लिए उपलब्ध है डी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी अगले आपके पास दिस पैश प्रोवाइडेड बाय दी पोस्ट ऑफिस कैन बी यूज्ड फॉर दी ट्रांसमिशन ऑफ डागर द्वारा प्रदान किए गए विशेष पंजीकरण लिफाफों का उपयोग किसके प्रसारण के लिए किया जा सकता है अनरजिस्टर्ड आर्टिकल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स बोथ इनमें से कोई भी नहीं क्या डागर द्वारा पंजीकृत लिफाफे जो होते हैं स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेलप जो होते हैं उनका यूज कौन से लेखों को भेजने के लिए किया जा सकता है ठीक है बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएगा सिर्फ पंजीकृत लेख ही आप भेज सकते आप स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवेलप्स में नहीं भेजेंगे आंसर क्या आ जाएगा आपके बस बी अगला क्वेश्चन है आपका द मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज ऑफ फिक्टिशियस स्टैम्प्स इज प्रोहिबिटेड अंडर काल्पनिक डाक टिकटों का निर्माण करना और उपयोग करना एक क्या है एक दंडनीय अपराध है और ये कौन से सेक्शन में आता ठीक है सेक्शन टू सिक्सटी थ्री ऑफ इंडियन ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्ट सेक्शन टू ऑफिस गाइड पार्ट वन ठीक है सेक्शन टू सिक्सटी थ्री ए ऑफ इंडियन या फिर इनमें से कोई भी नहीं तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा आपके पास एट्टी एट का सी ठीक है भारतीय दंड संहिता की ये ध्यान रखना ये भी पूछा जाता है कि, कि किसकी ये धारा है तो भारतीय दंड संहिता की धारा दो सौ रिन्यू अपी रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ दी पर्टिकुलर आगे किस अवधि के लिए जो लाइसेंस होता है आपके रिमोटली मैनेज फ्रैंकिंग मशीन का आपके पास फाइव ईयर थ्री ईयर टू ईयर या फिर वन ईयर तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपके पास ठीक है फर्दर पांच वर्ष के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है अगले आपके पास विद इन हो गया चेंज इन लोकेशन ऑफ मशीन एक्सेप्ट इन केस ऑफ मरम्मत के मामलों को छोड़कर फ्रैंकिंग मशीन स्थान में कोई भी आपको परिवर्तन करना है तो सूचना जो वो किसको दी जानी चाहिए oh, नो नीड टू नोटिफाई जरूरत नहीं है तो इसका सही आपने अगर फ्रैंकिंग मशीन के जो भी आपका पहले लिया है यूज करेंगे तो उसकी लोकेशन में आप अभी चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको बताना पड़ेगा कि मैं ये करने वाला हूँ किसको बताना पड़ेगा तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ठीक है दोनों को बताना पड़ेगा ऑफिस ऑफ पोस्टिंग को भी बताना पड़ेगा और साथ में हेड ऑफ डिवीजन को भी बताना पड़ेगा मशीन फ्रैंकिंग मशीन क्या होती है एक मशीन होती है लेकिन स्टिचिंग फेसिंग या फिर इनमें से कोई भी नहीं तो स्टैंपिंग मशीन जो होती है कौन सी होती है मुद्रांकन वाली एक स्टैंपिंग मशीन है फ्रैंकिंग मशीन इज अ स्टैंपिंग मशीन बस इज इफ देयर इज एनी एरर ओन फ्रैंकिंग इंप्रेशन और रिफंड कैन बी क्लेम्ड बाय फर्म ऑफ इंस्टीट्यूट विद इन एंड ऑफ रिडक्शन इंप्रेशन में कोई त्रुटि है तो फर्म या संस्थान द्वारा रिफंड का दावा किया जा सकता है कितने समय के भीतर और अंकित मूल्य पर कितनी कटौती होगी ऑप्शन यहाँ पे आपके पास यही है टू मंथेंट टू परसेंट थ्री मंथ ठीक है नाइनटी थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास जी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास महीने के भीतर आपको करना होता है बस of सरकारी कार्यालयों मंत्रालय और विभागों को किराए पर फ्रैंकिंग मशीन के उपयोग के लिए लाइसेंस किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा सुप्रिंटेंडेंट पीएमजी सीपीएमजी या फिर डायरेक्टर जनरल तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास बी ठीक है पीएम करता है पोस्ट मास्टर जनरल जो ऑफ रीजन होता है अगले आपके पास ऑर्डर टू कार्ड नीड्स ऑफ लिस्ट एंड स्टैंप कलेक्टर्स द डिपार्टमेंट हैज कलेक्टर डाक टिकट संग्रहकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभाग द्वारा क्या स्थापित किया गया है फ्लैटलिक कॉल सेंटर फ्लैटली रिसर्च सेंटर फ्लैटली ब्यूरो या फिर इनमें से कोई भी नहीं तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डाक टिकट ब्यूरो जो फ्लैटली ब्यूरो होते हैं इनकी स्थापना की गई है तो यहाँ पे आपकी सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास आप। पार्सल हैज टू बी स्टैम्प्ड विद डेट स्टैम्प ऑफ फैटली पोस्ट हर पत्र पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर लगनी चाहिए एक दो तीन या फिर चार ठीक है कितने की लगनी चाहिए आपकी दो डाकघरों की एक ऑफिस ऑफ पोस्टिंग होगा और दूसरा दो डाकघरों की तारीख मोहर लगनी चाहिए आर्टिकल भी पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर वस्तु को मजबूत लिफाफे में करना चाहिए। क्योंकि को पारगमन के दौरान मेल बैग में बहुत ही दबाव और घर्षण सहन करना पड़ता है इट हैडी कैन ओपन ड्यूरिंग ट्रांजिट पारगमन के दौरान इसको कोई भी खोल नहीं सकता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाए नाइनटी सेवन का सही से आंसर क्या हो जाएगा आपके पास ए ठीक है क्योंकि इसको पारगमन के दौरान मेल बैग में बहुत सारे आर्टिकल्स का दबाव भी सहन करना पड़ता है और घर्षण भी सहन करना पड़ता है तो अगर स्ट्रॉन्ग आप इसको पैक नहीं करेंगे अच्छे से पैक नहीं कर जाएगा तो आपकी कौन सी ऑप्शन सही हो जाएगी ए अगले है आपके पास क्लोथ इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ दी पार्सल पैकेट और लेटर इट शुड यूज एज एन जब पार्सल पैकेट या पत्र की सुरक्षा के लिए मोम के कपड़े का करना चाहिए इन साइड कवर की तरह आउटसाइड कवर से कोई भी नहीं तो जब भी आप कौन सा बैक्स, क्लोथ का यूज़ कर रहे हैं तो इसको कैसे कवर का, कवर की तरह यूज करना चाहिए 98 की जो से ऑप्शन आ जाएगी वो कौन सी होगी आपके पास ठीक है इसको यूज करना चाहिए ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है आपके पास सेंडिंग आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू इन एन अनरजिस्टर्ड लेटर और अनरजिस्टर्ड पार्सल एक अपंजीकृत पत्र या अपंजीकृत पार्सल में मूल्य दे वस्तु का क्या जोखिम रहता है सेंडर रैन द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर प्रॉपर्टी प्रेस इट एक्सपोज टेम्पटेशन एवरी पर्सन थ्रू हुज हूज द आर्टिकल पास ठीक है या उस हर उस व्यक्ति के प्रलोभन को उजागर करता है जिसके हाथों से गुजरता है या फिर इनमें से ठीक है दोनों ही हो जाएंगे ऊपर वाले या फिर इनमें से कोई भी नहीं इसका सही आंसर 99 नाइन का सही आंसर क्या जाएगा आपके पास बिल्कुल सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा और लास्ट ही क्वेश्चन है आज की वीडियो का अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट वन रूल एंडीन कॉइन डज नॉट इंक्लूड ठीक है पोस्ट ऑफिस गाइड भाग वन के जो नियम सतारा के अनुसार कॉइन होते हैं सिक्के जो होते हैं उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है कट काउंटर फीट ऑन बिहाफ ऑफ़ दी करेंसी डिपार्टमेंट एंड मिनट्स रुपी कोइन गोल्ड कोइन या फिर दिया तो कौन सा शामिल नहीं होगा ठीक है तो इसका सही आंसर क्या जाएगा आपके पास ये ठीक है बाकी रेगुलर क्लासेस हमारी चल रही हैं आप जुड़ना चाहते हैं स्क्रीन पे जो नंबर लिख रहा हूँ इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं ठीक है और साथ में बाकी मैथ के लिए और जीके के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स से प्रीवियस ईयर के उन सभी का मैथ वहाँ पे सॉल्व करवाया गया है ठीक है दोबारा से प्रिंट आउट करके सॉल्व करवाया गया तो आप उनको ज़रूर उसमें कर सकते हैं ठीक है मैथ की आपकी बहुत अच्छी भाव से तैयारी हो जाती है ठीक है फ्रेंड्स ओके थैंक यू गुड नाइट